भी जो मुद्दे उठे उसका जवाब नहीं दे पाए, तो ये तो पूरी तरह से नीतीश कुमार की सरकार का फेल्यूर है। नीतीश जी को अब कोई बिहार से मतलब प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे, बिहार में क्या हो रहा है उनकी कोई रुचि नहीं। आधे से ज़्यादा सर्वे का काम हो गया और तब स्टे लग जाए और आप बातों का जवाब न दे पाए कोर्ट के अंदर, इससे ज़्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है। कुल मिलाकर ये जातीय गणना का मामला अगले 6-7 महीने के लिए और फंस गया। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने से पहले ही एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, एनडीए की सरकार थी और फैसला हुआ था कि बिहार में जातिगत गणना किया जाए। पहले जनगणना की बात की गई थी लेकिन मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो उसका नाम महागठबंधन की सरकार में शामिल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने गणना कर दिया, लेकिन उस पर भी हाईकोर्ट से रोक लग गई। हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। चीज़ों को कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि नीतीश सरकार की तमाम जो फैसले होते हैं या उनकी कमियां होती है, बिहार की सियासत में सुशील कुमार मोदी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सुशील जी, जिस तरीके की गलतियां सरकार से हुई है, चूक हुई है, उसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर दिल्ली से बढ़िया वकील लाकर खड़ा किया गया होता तो ये इंटरिम स्टे नहीं लगता। पिछले दिनों ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ कौन खड़े थे याचिकाकर्ताओं की ओर से? तो मुकुल रोहतगी, जो हिंदुस्तान के समय नंबर एक के वकील हैं, और उन्हीं के प्रयास का परिणाम था कि सुप्रीम कोर्ट से मामला आया पटना हाईकोर्ट में और निर्देश हुआ कि 3 दिनों के भीतर आपको फैसला लेना है। और देखिए, वहाँ जो बहस हुई, उस बहस के अंदर जो मुद्दे उठे उसका एक का भी जवाब बिहार सरकार के वकील नहीं दे पाए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि निजता के अधिकार का हनन हो रहा है, उनका कहना था कि सर्वे और सेंसस, ये सर्वे की आड़ में सेंसस कर रहे हैं जिसका अधिकार संविधान राज्य सरकार को नहीं देता है। ये कह रहे हैं कि ये वॉलंटरी डिस्क्लोज़र है, बाध्यता नहीं है जो जाति या कुछ पूछा जाएगा। और दूसरी ओर गाइडलाइन कहता है कि अगर घर की महिला या पुरुष नहीं बता पाते हैं जाति, तो पड़ोसी से आप पूछ कर भर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि दिस इज़ नॉट वॉलंटरी डिस्क्लोज़र, आप कह रहे हैं कि साहब बाध्य नहीं किया जा रहा है। तो यानी इन बातों का जो जवाब देना था बिहार सरकार को, तो बिहार सरकार के वकील जवाब नहीं दे पा रहे थे। और देखिए, ये निर्णय तो हमारी सरकार का है। जून महीने में बिहार के अंदर एनडीए की सरकार थी जिसमें सम्राट चौधरी, तारकिशोर जी, रेणु देवी, उस सरकार ने जातीय गणना का फैसला लिया था। ये कोई राजद की सरकार का फैसला नहीं था। और आप 6 महीना हो गया, एक तो जो काम अक्टूबर तक में पूरा हो जाना चाहिए था आपने उसको 8-9 महीना लगा दिया, और उसके बाद भी जो मुद्दे उठे उसका जवाब नहीं दे पाए, तो ये तो पूरी तरह से नीतीश कुमार की सरकार का फेल्यूर है। और इसके पहले देखिए, जो नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के आरक्षण से जुड़ा मुद्दा था, बार बार हम कह रहे थे कि अति पिछड़ा आयोग का गठन कीजिए, उन्होंने नहीं किया। अंत में जब कोर्ट की फटकार लगी तो चुनाव को स्थगित करना पड़ा, और फिर यहाँ पर आयोग जल्दबाजी में बना, उसकी रिपोर्ट को आज तक पब्लिक नहीं किया। तो उस समय भी बिहार में नगर निकाय चुनाव को स्थगित करना पड़ा था, और आज फिर बिहार के अंदर जनगणना को स्थगित करना पड़ा है। ये नीतीश जी का व्यक्तिगत फेल्योर है और इससे इनका पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। सुशील जी, आप लोग जब सरकार में थे, नीतीश कुमार के साथ थे, तो कई बार ऐसे मामले में कोर्ट में मामला पहुंचा था, कई फैसले ऐसे थे सरकार के, लेकिन हर मामले में सरकार के पक्ष में फैसला होता था। क्या बीजेपी के साथ नीतीश कुमार कंफर्टेबल थे, या आप लोग रहते थे उस वक्त कोर्ट में जो बात करने का तरीका होता है या जो दलीलें दी जाती थी वो मजबूत होती थी और सरकार यहाँ दलील देने में ही पिछड़ गई है? बिहार सरकार को, नीतीश जी को अब कोई बिहार से मतलब नहीं है, वो तो अब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे, बिहार में क्या हो रहा है उनकी कोई रुचि नहीं है। जिसमें मैंने कहा, तो ये उनका व्यक्तिगत फेल्यूर है, नहीं तो आधे से ज़्यादा सर्वे का काम हो गया और तब स्टे लग जाए और आप बातों का जवाब न दे पाएँ कोर्ट के अंदर, इससे ज़्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा बिहार सरकार की किरकिरी क्या हो सकती है। लेकिन अब तो ये मामला लंबा खींच गया, अब तो 3 जुलाई को कोर्ट के अंदर इस पर चर्चा होगी, फिर उसका कोर्ट का फैसला आएगा, फिर अगर सरकार के पक्ष में नहीं आया तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो यानी एक लंबा समय लग गया, फिर बरसात आ जाएगी। तो यानी कुल मिलाकर ये जातीय गणना का मामला अगले 6-7 महीने के लिए और फंस गया है। आप लोगों की कोशिश थी जब आपकी सरकार थी, तो एक मलाल तो आप लोगों को भी है इस फैसले पे। किस चीज़ का फैसला? जो हाईकोर्ट से रोक लग गई और आप लोग जब सरकार में थे, तो ये तो हमारी आपकी सरकार ये हमारी सरकार का निर्णय है। हम जातीय गणना के पक्ष में हैं, जो प्रधानमंत्री जी के यहाँ डेलीगेशन गया उसमें बीजेपी भी शामिल थी, विधानसभा में विधान परिषद में 2-2 बार प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें हमारी सरकार शामिल थी, हमारे लोग शामिल थे, बीजेपी शामिल थे,
तो हम तो बिहार में जाति गणना के हमेशा पक्ष में रहे हैं, लेकिन आप उसको ठीक से लागू नहीं करा पाए, ये आपकी विफलता, ये आपका फेल्यूर है। बहुत धन्यवाद सर। तो सीधे तौर पर बिहार में जातिगत जनगणना वाले काम जो चल रहा था, जातीय गणना चल रही थी, वो अब सीधे तौर पे रोक लग गया और इसका नतीजा ये हुआ कि अब बीजेपी को भी इस बात का मलाल है, क्योंकि सरकार में जब एनडीए थी तो ये फैसला हुआ, और महागठबंधन की सरकार में जो लोग दलितों के, पिछड़ों के सबसे बड़े हिमायती बनने की बात करते थे, उनके शासनकाल में ही हाईकोर्ट से स्टे लग गया, कारण सरकार जवाब नहीं दे पाई।